पे हेमंत। देखिए यार उस लड़की को, काफी टाइम से मैं उसे देख रहा हूँ, रोए जा रही है, सैड बैठी है, शायद किसी प्रॉब्लम में है यार। मतलब तो उसे ताड़ रहा है, वो भी बिना भाई को बताए। अबे ताड़ नहीं रहा, देख उसे कितना रोए जा रही है, सैड बैठी हुई है, शायद किसी प्रॉब्लम में है, हमें चल के देखना चाहिए। भाई तू एक बात बता, तुझे दुनिया की प्रॉब्लम दिखती है, जब मेरी बारी आती है मेरी हेल्प तो नहीं करता तू? हाँ साले तेरी हेल्प भी क्या होती है, मोबाइल रिचार्ज कर दे, उधार पैसे दे दे, चला देखते कि क्या प्रॉब्लम है। अरे मैं नहीं जा रहा। अबे चलना। अबे यार हेलो मैम, मैं आपको ना बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, आप यहाँ पे बैठ के परेशान हो रहे हो, रोए जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जाओ यहाँ से। हाय माय नेम इज आजम। करवाली बेइज्जती नहीं, भाई को तो लड़की से बात करनी है ना, उससे हाथ मिलाना है। वे मैं तो हेल्प करने आया था, मुझे थोड़ी पता था कि वो ऐसे करके चली जाएगी। अच्छा सुन, उसकी तो मदद हो नहीं पाई, मेरी कर दे यार, पैसों की जरूरत है, जुगाड़ करवा कहीं से। साले आ गया ना औकात पे, ले कर दिए यूपीआई। यूपीआई कर दिए? भाई तू एक बात बता, आजकल तू पैसों के लिए मना नहीं कर रहा, क्या बारिश वारिश हो रही है क्या कहीं से? भाई आजकल मैं ना जूपी पे लूडो खेल रहा हूँ, यहाँ पे तू 1 रुपए से खेल सकता है और 1 लाख तक के इनाम जीत सकता है। जूपी ये क्या है? भाई जूपी ना अपने इंडिया का गेम है, यहाँ पे 10 मिनट तक के छोटे गेम होते हैं और लाखों तक के इनाम जीत सकता है तू। क्या बात कर रहा है यार। हाँ भाई यहाँ पे ना और भी गेम है, जैसे कि लूडो, सांप सीढ़ी एंड मैनी मोर। क्या बात कर रहा है यार। ले देख प्रूफ, देख देख इसे ना सिंपली डाउनलोड कर लेना है और नॉर्मल ना गेम खेलना है। देख जैसे मैं गेम खेल रहा हूँ और ये देख जीत गया ना मैं, और देख इजीली ना विड्रॉ भी कर लिए। लेकिन भाई सेफ तो है ना? भाई 100% सेफ, सिक्योर एंड स्किल बेस्ड गेम है। भाई देख जैसे कि मैंने तेरे को बताया था, तू इजीली विड्रॉ कर सकता है थ्रू यूपीआई विद TDS एंड GST कैशबैक, मतलब कि जब भी तू विड्रॉ करेगा तेरा TDS और GST तो कटेगा लेकिन तेरे को कैशबैक मिल जाएगा। सही है यार, अभी डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड कर ले, तू भी खेल, पूरा इंडिया खेल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और डाउनलोड कर ले और मुझसे पैसे मांगना बंद कर। हाँ ठीक है चल अब चल। अबे पागल है, लड़की नहीं दिख रही तेरे को? अबे एकदम से सामने आ गई भाई ये, लेकिन एक सेकंड ये वही लड़की है ना सुबह वाली? हैं? हाँ वही जो सुबह पार्क में रो रही थी, वही लड़की है ना ये? एक बार बाहर चल। चलिए एक बार। अरे मैडम पागल हो क्या, गाड़ी के सामने क्यों कूद गई? सुबह भी पार्क में थी, मैंने लाख पूछा कि मैडम क्या हो गया, तब भी आपने कुछ नहीं बताया, और अब गाड़ी के सामने मरने के लिए आ गई? तो मरने देते ना मुझे, क्यों बचाया? अरे लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऐसा भी क्या होगा कि गाड़ी के सामने कूद के मरना पड़ रहा है? क्या बताऊं, एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और उन बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन नहीं है, तुम लोग प्लीज यहां से जाओ। मैडम मैडम ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज का सलूशन ना हो, प्लीज मुझे बताओ क्या पता हम आपकी कोई मदद कर दे। क्या हेल्प करोगे तुम मेरी, तुम लोग मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते। मैडम प्लीज प्लीज बताओ हमें, क्या पता हम आपको कोई सलूशन दे दें, क्योंकि मरना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, बताओ प्लीज। एक लड़का था जिसे बहुत प्यार करती थी, उसने मुझसे कहा कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करता और उसने शादी का वादा करके मेरे साथ सब कुछ कर लिया और मेरी वीडियो बना ली, और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मैंने उसे शादी के लिए कहा या फिर मैंने उसके मांगने पर उसे पैसे नहीं दिए तो वो मुझे सब जगह वायरल कर देगा, और ये बात मेरे घर पर भी पता लग गई, अब मेरे घर वालों ने भी मुझे निकाल दिया, क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास मरने के चार सिवा कोई चारा नहीं है। आप मेरी बात सुनो, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, आप एक काम करो, आप हमारे घर चल लो,
और जो लड़का है जिसने आपके साथ कुछ भी किया है, आप उसका नाम और फोटोज मुझे दिखा दो, क्या पता हम आपकी कोई मदद कर दें। आप लोग मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? आप तो मुझे जानते तक नहीं हो। देखो तुम मुझे ना अपने भाई जैसा समझो, यहाँ आधी रात में ऐसे रुकना सेफ नहीं है। एक काम करते हैं, तुम ना हमारे साथ हमारे घर चलो और तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगी बैठ के बात करते हैं ना, क्या पता कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। मैडम ये एकदम सही कह रहा है, आप हम पे बिलीव कर सकते हो और घर चलो, घर चल के बात करते हैं, आप भी रिलैक्स हो जाना और फिर आप हमें बता देना, क्या पता हम आपकी कोई मदद कर पाए। प्लीज चलो, प्लीज। आप एक काम करो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप उस लड़के का नाम और फोटो दिखाओ, कौन है वो। अबे आजम ये तो राहुल है यार। राहुल? अरे जो हमारी क्लास में पढ़ता था। आप इसके चक्कर में कैसे फंस गए? इसका तो काम ही है यार, लड़के को प्यार के जासे में फंसाता है और उनकी फोटो या वीडियो निकाल लेता है। अरे आप टेंशन मत लो, ये क्या इसका तो बाप भी डिलीट करेगा फोटो। वैसे नाम क्या बताया था आपने अपना? मेरा नाम नम्रा है, आप जानते हो इसे? ये हमारे कॉलेज में पढ़ता था, इसका तो काम ही यही है, पहले लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाता है फिर उनसे पैसों की डिमांड करता है। खैर आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं और हिमन जाके सुबह इससे बात करते हैं, रात बहुत हो गई, आप वाला रूम लो और सो जाओ। शाम तक मेरे अकाउंट में सारे पैसे आ जाने चाहिए, वरना ये फोटोज और वीडियोस तेरे बाप को भेज दूंगा। नंबर तो होगा ना मेरा तेरे पास? अरे वाह यार, आज मुझे कैसे याद कर लिया तुम दोनों ने। तू किसी नम्रा को जानता है? हाँ, क्यों पसंद आ गई क्या तुझे? शादी वादी करेगा क्या? तेरे फोन में उसकी फोटो और वीडियो है। वो तो सबकी होती है, कोई नई बात बता। साले तेरे को पता है कल क्या हुआ है? वो लड़की सुसाइड करने गई थी, हमारी गाड़ी के सामने कूदी थी। तू पैसों के लिए इतना गिर गया कि तू किसी की जान ले लेगा? बिना पैसे दिए मरने गई थी। रुक जा, उसे तो मैं आज बताऊंगा। अब एक ना प्यार से काम कर, तेरे फोन में जितनी भी उस लड़की की फोटोज और वीडियोस है ना, अभी के अभी डिलीट कर दे। वो तो नहीं हो पाएगी भाई। मतलब तू नहीं करेगा? सॉरी हेमंत बाप, कौन चीज इसको कौन चीज? सुन बे, आज के बाद उसकी तरफ देखा भी नहीं तूने तो साले हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और जो तेरे फोन है ना ले लियो हमसे। जा। उस लड़की के साथ तुमने देख लिया ना, जानता है तू हमें। सालो ये सब ठीक नहीं कर रहे तुम, देख लूंगा तुम दोनों को। ये लो फोन। ये तो राहुल का फोन है। तुम्हें इसका पासवर्ड पता है? हाँ पता तो है, पर पता नहीं उसने चेंज किया नहीं किया, अगर नहीं किया होगा तो खुल जाएगा। मैं ट्राई करती हूँ। खुल गया। मैं सब डिलीट कर दूँ? हाँ सोच कर रही हूँ, डिलीट करो। अब तो चेहरे पे स्माइल दिया। थैंक यू सो मच, तुम दोनों इंसान नहीं इंसान के रूप में फरिश्ते हो। इतना तो कोई अपना भी नहीं करता जितना तुम दोनों ने किया है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। देखो नम्रा, पहली बात तो ये कि दोस्तों को थैंक्स नहीं बोलते, और रही बात फरिश्तों की, तो ये डायलॉग मेरे शक्ल पे शूट करता है, इसकी शक्ल शैतान जैसी है, इस पे शूट नहीं करता। अब यार बहन बोला बहन के लिए तो कुछ भी। आजम ऐसे मत बोलो मेरे भाई के बारे में। यार क्या बोल दिया तुमने इसे? तुम्हें पता है इसे इज्जत हजम नहीं होती, तुमने इसे इज्जत दे दी। ओ भाई इज्जत ना मुझे सब देते हैं, तुझे छोड़ के। अब चल खाना खाते हैं, फिर लूडो खेलेंगे तीनों। चलो। क्या हो गया? कुछ नहीं। खाना भाई। नम्रा तीन ले गया, इसकी गोटी काटनी है वरना मेरी काट देगा। मुझे पता है नम्रा मेरी गोटी काटेगी। अरे ओ भाई मुझे सब पता है। नम्रा तू तीन ले गया। नम्रा काट काट तीन से। हटा इसको। चल भाई अब मैं जा रहा हूँ सोने। अबे ओ गेम तो कंप्लीट करके जा भाई। अबे हो गई गेम पूरी, गुड नाइट। अच्छा गुड नाइट।
अरे कोई बात नहीं ना, हम बालकनी में बैठते हैं, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। ओके, तुम्हें कॉफी बनाने आती है? बहुत अच्छी, तुम पीते रह जाओगे। अरे वाह, इतनी अच्छी कॉफी, ऐसी कॉफी ना मैं जिंदगी भर पीना चाहता हूँ। अरे यार आप ऐसे मत बोलो। ऐसा मत बोलो यार, बिल्कुल वाइफ की तरह बोल रही हो, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या पता कब क्या सच हो जाए। मतलब इसका मतलब नहीं समझा मैं। कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। झूठ मत बोलो यार, बता दो, हम दोस्त हैं। नहीं यार, मुझे कौन पसंद करेगी, मैं सिंगल हूँ। अब इतना भी मत छुपाओ, बता दो ना यार। नहीं यार, मम्मी पापा की डेथ होने के बाद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। छोटा था तो कोई रिश्तेदार ढंग से बात नहीं करता था, उसके बाद अपनी जिम्मेदारी अपने आप उठाई, फिर हेमंत मिला और फैमिली की कमी भी पूरी हो गई। लेकिन हाँ, इन बीच कभी गर्लफ्रेंड वगैरह के लिए टाइम नहीं मिला। वैसे माँ बाप के बिना अकेले रहना और फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्प्लीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है ना। अच्छा तो फिर तुम शादी कर लो, कब करोगे शादी? जैसा मैंने बताया कि हेमंत के मिलने के बाद फैमिली की कमी तो पूरी हो गई, बाकी शादी जब आप कहो। वैसे तुम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है। अरे बात को पलटने की क्या जरूरत है, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, जब आप कहो। रात बहुत ज्यादा हो गई है, आई थिंक अब हमें सोना चाहिए ना। हाँ यार, 2 बज गए पता ही नहीं चला। वैसे एक बात बोलूँ, जब से आप हमारे बीच में आई हो ना, काफी अच्छा लगता है। मुझे भी, जब से मैं तुम लोगों के साथ हूँ खुश हूँ और किसी भी तरीके की कोई कमी महसूस नहीं हुई मुझे। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कंप्लीट हो गया है। चलो अब सोने चलते। मेरे साथ सोओगे? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, मेरा मतलब है सो जाते हैं, 2 बज गए, काफी रात हो गई है। ओके गुड नाइट। ये क्या हो रहा है मुझे, ऐसा तो मैंने कभी राहुल के लिए भी फील नहीं किया जैसा मैं आजम के लिए कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, यही रुक जा रमरा, कंट्रोल योर सेल्फ, तू इतना आगे नहीं बढ़ सकती। वैसे भी आजम मेरे बारे में सब कुछ जानता है, वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसे करना भी नहीं चाहिए, वो एक अच्छी लड़की डिजर्व करता है यार। नहीं नमरा, तू बहुत ज़्यादा सोच रही है, तुझे खुद को यहीं रोकना होगा। गुड मॉर्निंग। अरे उठ गए, गुड मॉर्निंग। एक काम करो, ब्रेकफास्ट रेडी है, कर लो। आजम नहीं कर रहा ब्रेकफास्ट। अरे यार उसको इतनी बार उठा लिया, उठ ही नहीं रहा है वो, जब उठेगा अपने आप बना के खा लेगा, जब तक हम करते हैं। मैं उठाती हूँ उसको। आजम। हाँ नम्रा। उठ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है, नाश्ता कर लेते। हाँ ठीक है, तुम चलो मैं भी आया। साले मैं इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, जब तक तू उठा ली, और नम्रा की एक आवाज में उठ गया। नम्रा इसे ना तुम्हारे जैसी वाइफ मिलनी चाहिए, कम से कम टाइम से तो उठेगा। क्या साले कुछ भी बोलते हैं, तुम लोग चलो मैं ब्रश करके आया। जल्दी आ। कहाँ रह गया ये आजम, अभी तक आया क्यों नहीं? अच्छा नम्रा एक बात बता। हाँ बोलो। तू भाई मानती है ना मेरे को? हाँ भाई। तो एक बात सच सच बताइयो मेरी कसम खा के। बोलो ना। तो आजम को लाइक करती है? तुझे मेरी कसम है, सच बताइयो। हाँ मुझे उससे प्यार हो गया है, जब भी उसे देखती हूँ तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं, आंखें बंद करती हूँ तो बस मुझे वही नजर आता है। उसके साथ ना मैं अपने आप को बिल्कुल महफूज समझती हूँ भाई, ऐसा लगता है मैं उसके साथ कम्प्लीटली सेफ हूँ। मुझे कितना खुश रखता है, उसने मुझे जीना सिखाया है, मुझे हंसना सिखाया है। उससे किसको प्यार नहीं होगा, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, वो एक अच्छी लड़की डिजर्व करता है। और वैसे भी राहुल ने जो कुछ मेरे साथ किया है उसके बाद मुझे कोई भी क्यों ही प्यार करेगा। देख नम्रा, आजम को ना मैं बचपन से जानता हूँ,
तू एक काम कर, तू ना उसे अपनी दिल की बात बता दे, वो मना नहीं करेगा। और जो कुछ भी तेरे साथ हुआ है उसमें तेरी गलती थोड़ी है। नहीं भाई। क्या बातें हो रही है तुम दोनों में? कुछ नहीं, लो चाय। अच्छा भाई एक काम कर, नमरा घूमने के लिए कह रही है तो तू घुमा ला, मेरे को थोड़ा काम है। हाँ साले मुझे पता तुझे क्या काम होगा, उसी लड़की के पीछे जाएगा। ठीक है मैं लेके जाता हूँ इसे घुमाने। भाई तुम किसी को लाइक करते हो? नम्रा लाइक करना एक अलग बात होती है, भाई साहब किसी लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। ओ भाई पीछे नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, कल तो देख के भी स्माइल किया था मेरे को। ध्यान से देखता स्माइल नहीं की होगी, देख के हंस रही होगी तुझे। ऐसे मत बोलो आजम प्लीज। चलो ठीक है हम चलते हैं बाहर घूमने, और तू जा भाई तेरे काम पे। चल ठीक है नम्रा। नम्रा बस पास में ही तो है गाड़ी। यार मैं थक गई यार, मुझे बहुत तेज की प्यास भी लग रही है, मुझे पानी तो ला दो। चलो ठीक है तुम यहीं रुको, मैं पानी लेके आता हूँ, पकड़ो इसे। नम्रा यार तू तो बहुत चालू निकली, मुझे गए हुए एक महीना नहीं हुआ और तूने नया बंदा भी ढूंढ लिया। देखो मुझे ना तुम्हारी गंदी शक्ल नहीं देखनी, तो तुम ना प्लीज ऐसे जाओ। अच्छा नया बंदा आती अब तुझे मेरी शक्ल भी घटिया लगने लगी, पहले तो इसी शक्ल पे बहुत मरती थी, अब क्या हुआ? देख राहुल मुझे ना तुझसे कोई बात नहीं करनी, तो अपनी मनोशक्ल लेके ना ऐसे निकल जा चुपचाप। अब तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मुझसे तू करके बात करेगी? औकात की बात ना तू मत कर, मेरी औकात क्या है ना ये तू बहुत अच्छे से जानता है, तेरी तरह गिरी हुई नहीं हूँ मैं, ठीक है ना, तो चुपचाप ऐसे निकल जा, दफन हो जा। तुझे तो मैं बताता हूँ। चल राहुल छोड़ मुझे, आजम आजम। साले तूने हाथ कैसे लगाया इसे, हाथ कैसे लगाया? मैं यही इंतजार कर रहा था कि तू कब आएगा, उस दिन तो तुम दो थे ना, आज बताता हूँ मैं तुझे। आजम 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 रहने तो छोड़ दो, ये तो बदतमीज है, चलो यहाँ से। नहीं नम्रा तुम्हें हाथ लगाने वाली थी ना, मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसे आज छोड़ दिया ना ये दोबारा आएगा और मैं दोबारा ऐसा होने नहीं दूंगा। साले बस भाई इस बार माफ कर दे, आगे से इसके पीछे नहीं आऊंगा। साले पीछे आने की तो बात ही बात है, अगर तूने इसके बारे में सोचा भी ना तो अगली बार जान से मार दूंगा। चल नम्रा। पता नहीं वो राहुल अचानक से कहाँ से आ गया और फिर वो एकदम से मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच के ले जाने लगा, मैं चिल्लाया आजम और फिर आजम आ गया। पर पता है आज उसकी आंखों में अपने लिए इतनी चिंता देखकर मुझे एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वो मुझसे सच में प्यार करता है। देख यार मैं तो ये कहूंगा जो भी तेरे अंदर फीलिंग है ना उसे बता दे कि तू उससे कितना प्यार करती है। नहीं यार मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे अभी प्रपोज कर सकूं, अगर उसने मना कर दिया तो। यार देख मैं उसे बचपन से जानता हूं, वो मना नहीं करेगा, तू कर तो सही। नहीं अभी रहने देते हैं, अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे प्रपोज कर सकूं। ठीक है फिर अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही तो मैं ही प्रपोज कर देता हूँ। सही कहा इसने कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, हालांकि ये बात उसे नहीं पता लेकिन सच यही है कि आई लव यू, और तुम्हारा पास्ट क्या था क्या नहीं मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन हाँ पर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता।
मतलब ये कि बिना टाइम गवाए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और हाँ भाई, तेरी भाभी ने भी हाँ कर दी है तो अब तेरे साथ साथ मेरा भी घर बसेगा। सच में? तो फिर एक काम करते हैं, दोनों भाइयों का घर बसने की खुशी में ना फ्लैट पर पार्टी करते हैं। डन है भाई।